नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है मिड डे की फटाफट खबरों का। मून प्रोजेक्ट पर एक साथ आए चीन और रूस, कहा पार्टनर बनने के लिए दुनिया के मुल्कों का स्वागत है। ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए जर्मनी की निजी कंपनी लिंडे के सहयोग से पड़ोसी एशियाई देशों से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर भारत लाएगी ITC। कोरोना संकट के बीच मन की बात में बोले पीएम मोदी, देश में मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता रहेगा, महामारी से डरना नहीं, कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की कीमत हुई तय, राज्य सरकार को 600 रुपए और निजी अस्पताल को 1200 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। कोरोना काल में उच्च शिक्षा के ज्यादातर कोर्स होंगे ऑनलाइन, UGC ने योजना पर शुरू किया काम। देश में एक दिन के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ने पहुंचाई 10 कंटेनर, रेलवे के 4002 कोच को कोविड केयर में तब्दील किया गया। भारत में सबसे तेज 99 दिनों में लगाई गई 14 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिया गया बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक सप्ताह आगे तक बढ़ाया लॉकडाउन, अब लॉकडाउन को 26 मई से बढ़ाकर 2 मई सुबह तक के लिए किया गया। इंटरनेट पर कोरोना के फेक न्यूज को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, फेसबुक से भ्रामक पोस्ट हटाने को कहा। कोरोना संकट पर सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपने संसद निधि से 1.17 करोड़ रुपए दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना के कारण हम लोग मानवता पर आए अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इस समय स्वास्थ्य कर्मी जिस प्रतिबद्धता के साथ सेवा देकर लोगों की जान बचा रहे हैं, उनके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 14,281 नए मामले। इस बीच बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कल होगी 7वें चरण की मतदान। तृणमूल कांग्रेस ने किया शिकायत, मिथुन चक्रवर्ती, दिलीप घोष ने किया कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, शिकायत के बावजूद चुनाव आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई। मुंबई के 14 दोस्तों ने ऑक्सीजन बैंक बनाकर बचाई 50 से ज्यादा लोगों की जान, 20 लोगों की एक टीम हर रोज खिला रही है सैकड़ों लोगों को खाना। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताने की कोशिश की कि वे गलत राह पर हैं और किसान पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हरियाणा के दलाल खाप के प्रधान समेत 300 लोगों पर मामला किया गया दर्ज, KMP पर टोल फ्री कराने, तोड़फोड़ और हंगामा करने पर SDO की ओर से दर्ज किया गया है मुकदमा। पंजाब में कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल को लेकर किया तंज, कहा कैसे मिलेगा सबको इंसाफ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,160 नए मामले आए सामने, 63,818 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 9,94,480 हो गए हैं। कोरोना और लॉकडाउन के बीच वर्क फ्रॉम होम के कारण मोबाइल ऐप की बढ़ती मांग बनी युवाओं के लिए रोजगार का साधन, ऐप टेस्टर, एंड्रॉयड एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट कंसल्टेंट की बढ़ रही है मांग। IPL 14 में आज शाम दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी टक्कर। हैदराबाद को 3 हार के बाद पिछले मुकाबले में जीत मिली थी, जबकि दिल्ली की टीम ने 4 में से 3 मैच जीतकर अपना टॉप फॉर्म किया है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मीरा सिंह राजपूत ने फैंस से की घर पर रहने की अपील, पोस्ट शेयर कर डॉक्टर और नर्स ड्राइवर का किया धन्यवाद। तो ये थी मिडडे की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।